इस वक्त मैं यहाँ पहुंची हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि में, और भाजपा के एजेंडे में कितना महत्वपूर्ण है मथुरा, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मथुरा पहुंचे थे, और ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। 4 घंटे का समय मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिताया, और एक बड़ी लकीर मथुरा आकर प्रधानमंत्री ने खींच दी। इसे ना सिर्फ राजस्थान की पॉलिटिक्स सधी थी, बल्कि इसे ब्रज की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। भाजपा के एजेंडे में मथुरा बेहद जरूरी है, और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे, जो लकीर खींची, इससे विपक्षी पार्टियों को तो एक संदेश गया ही, लेकिन भाजपा ने अपने भीतर भी एक मैसेज देने का काम किया। आपको याद होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अभी कोर्ट में चल ही रहा है, इसको लेकर लगातार सुनवाइयां होती रहती हैं, लेकिन बीजेपी एक नारा जरूर दे रही है कि अयोध्या और काशी तो झांकी है, अभी तो मथुरा बाकी है। लस्सी तो ठंडी होती है, लेकिन चुनावी गर्मी बड़ी बढ़ गई है ना इस समय। चुनावी गर्मी मथुरा क्या पूरे देश में बढ़ी हुई है। चुनावी गर्मी अच्छा है, हेमा मालिनी जी का पोजीशन अच्छी है, पिछले 2 बार से जीती है, उन दोनों भावों का अंतर लगा के इतने वोटों से जीतेंगे। तो मुकेश धनगर कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे? कुछ कमाल नहीं, मुकेश धनगर तो पार्षद के प्रत्याशी नहीं है, उनको तो जबरदस्ती एमपी का चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो यही चाहते हैं कि कृष्ण मंदिर बन जाए, बस यही हमारी इच्छा है। हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, बदायूं जिले के हैं, बस यही इच्छा है कि योगी जी सुने और कृष्ण मंदिर का और भी अच्छा निर्माण हो। पर भरोसा है, कौन बनाएगा? ये मोदी जी और योगी जी बना सकते हैं, और कोई ताकत नहीं है इसको बनाने। क्यों? क्योंकि आज तक किया है, और राम मंदिर उन्होंने बनाया है, धारा 370 उन्होंने हटाई है, राम मंदिर उन्होंने, जो भी विवादित मुद्दे हैं वो सब देश में से खत्म होते जा रहे हैं, और ये योगी जी और मोदी जी संभव है, और कोई नहीं कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता।